क्या सेंटर सेंटर यहाँ पे बोलता भाई सेंटर भाई सेंटर कुछ नहीं हमारे यहाँ ना रुकिए ना रुकिए ना मैडम साथ में साथ में साथ नहीं नहीं आपका भी एक से लगा ना हटो 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 टोटी का सेट हो रहा है ऊपर डीआईडी में फिर से दिखा एक रियलिटी शो के बाद से एक और रियलिटी शो में तो किस कैसे लग रहे हैं सर डीआईडी बहुत अच्छा लग रहा है कि जय घर से बाहर जा रहा है काम के लिए और कुछ नहीं इसके दिमाग में ये रहता कि काम आया चलो अभी शॉपिंग के लिए सो व्हाट डू वांट टू से यू वर बैक नो आई एम वेरी हैप्पी आई एम वेरी ग्लैड दैट यू नो ये शो मैंने 13 साल पहले शुरू किया था डीआईडी एंड आई एम बैक अगेन एज द होस्ट सो इट फील्स ग्रेट टू कम ऑन स्क्रीन और लोगों को एंटरटेन करना लोगों के साथ मस्ती करना एंड मुझे बच्चों के रियलिटी शोज वैसे भी ज़्यादा पसंद आते हैं बिकॉज मैं बड़ा कनेक्ट करता हूँ उनके साथ सो या मेरी भी बच्ची आई थी एंड माही भी आई थी सेट पे एंड एंड दिस इज द फर्स्ट फेस ऑफ डीआईडी कौन से बच्चा आपको काफ़ी अच्छा लगा एज अ गुड टैलेंट फॉर यू आई थिंक यू नो बहुत सारे बच्चे अभी तो मतलब कल परसों से फिर से मेरी शूट स्टार्ट हो रही है और कल से यू नो फाइनल हमारे बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं एट प्रेजेंट तो यू नो 5-5 साल के बच्चे मेरे को पता नहीं कब सीखने गए थे और कब इन्होंने डांस सीख लिया इतनी मतलब 5 साल की उम्र में मुझे नहीं लगता कि हम में से कुछ यू नो बेड पे सुसु पॉटी के अलावा कुछ किए होंगे लेकिन यहाँ पे अभी बच्चे 5-5 साल की उम्र में ये डांस स्टेप्स और ये बड़े बड़े यू नो एक्ट्स रिहर्स करके यू नो ला पाते दैट्स फैंटास्टिक एंड रिसेंटली लॉकअप भी स्टार्ट हुआ वो भी स्टार्टिंग फेज में तो क्या कुछ कहना चाहोगे शो के बारे में काफ़ी ज़्यादा करणवीर वोरा सर अंदर गए हैं बहुत अच्छा शो रहे बिकॉज मेरे हिसाब से OTT में आ रहा है तो एक शो जब हिट होगा तो और OTT जैसे प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे जिससे और हज़ारों लोगों को मौके मिलेंगे टू कम ऑन शोज लाइक लॉकअप एंड इन द स्टार्टिंग पीरियड जब ओपनिंग था तब काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आए थे कि मीडिया इज पोर्ट्रेइंग द स्टोरी एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वाज अप टू मीडिया सो आप क्या करो कहना चाहोगे उस बारे में लाइक मीडिया इज ऑलवेज क्रिएटिंग स्टोरीज फॉर मसाले के लिए हमेशा मैं स्टार्टिंग लॉकअप की भी बात करूँ देयर आर सो मेनी कंटेस्टेंट हु सेड कि मीडिया इज क्रिएटिंग स्टोरी इन देयर ओन वे सो व्हाट डू वांट टू से अबाउट इट देखो भाई सबको अपना अपना काम करना है मतलब ऐसा नहीं है कि वो मसाला नहीं वो किसी के लिए मसाला रहता है लेकिन किसी के लिए वो चेंजिंग न्यूज़ भी होती है सो क्या कहते हैं एवरीवन इज़ डूइंग देयर जॉब एंड ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर क्या कहते हैं कुछ मसाला क्रिएट करे या करे आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर एज यू नो प्रोफेशनल्स मैम व्हाट डू वांट टू से द सेम क्वेश्चन फॉर यू इन द स्टार्टिंग लॉकअप में काफ़ी कंटेस्टेंट ने बोला था कि मीडिया इज क्रिएटिंग द होल स्टोरी फॉर द मसाला व्हाट डू वांट टू से हाउ डू यू सी मीडिया इन द सेलिब्रिटीज लाइफ हाउ मेरे साथ तो बहुत अच्छा है मीडिया तो मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी बट या जैसे जैने बोला कि सब अपना अपना काम करते हैं और अगर आप मसाला देखते हो तो वो दिखाते हैं अगर आप नहीं देखोगे तो वो नहीं दिखाएंगे सिंपल बट मीडिया यस क्या बोलूँ मैम आई तो लव यू गाइस सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एल्स मेरे साथ तो कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं कि आई शुड बी सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट यू गाइस बट या धूप में खड़े रहते हो और हमारा शूट करते हो बस बहुत थैंक यू